आज की वीडियो में हम देखेंगे ऑयल फिल्टर को कब और कितने समय के बाद बदलना चाहिए और किस कारण ये ऑयल फिल्टर को बदलना चाहिए हमें, आज की वीडियो में हम देखेंगे। जैसे कि हमारा जो बाइक का ऑयल फिल्टर पुराना निकला है वो किस तरह उसकी हालत हो चुकी थी, क्योंकि ये 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुका था। क्योंकि ऑयल फिल्टर को तो जब भी ऑयल चेंज करें उसके साथ बदलना चाहिए, और ऑयल फिल्टर बदलने का क्या तरीका है वो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। जैसे कि हमारे पास ये नया ऑयल फिल्टर है जो जेन्यून है हीरो का, जिसकी प्राइस 70 रुपये है ओनली, और कैसे बदलना चाहिए आपको हम बताते हैं। यदि हमारा ये न्यू ऑयल फिल्टर है, ये हमने अभी रखा, सबसे पहले तो हम ऑयल डालेंगे और ऑयल को किस तरीके से बदलेंगे। जैसे कि हमने इसको ओपन कर लिया, हमारा ऑयल ओपन हो चुका है, हमने ऑयल गेज निकाल दिया है डिपस्टिक, और हमें ऑयल जब भी लगा कर डालना होगा इसे। हम ऑयल को पहले इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ऑयल फिल्टर को हमें इसको डिप करना होगा, इसके अंदर अच्छी तरीके से ऑयल भीग जाए, इस तरीके से हम क्योंकि इसके पहले ऑयल फिल्टर को भिगाएंगे। ये ऑयल फिल्टर डालने का सही तरीका है क्योंकि ऑयल फिल्टर अच्छे से लूब होकर लगेगा। जैसे हमने इसको ऑयल फिल्टर को हमने लूब कर लिया है तो इसे हम साइड में रख देते हैं इसे, और ऑयल पहले डाल देते हैं। ये हीरो का ओरिजिनल जेन्यून ऑयल है जो 40+ है, 10W30। जैसे कि हमने ये हीरो का जेन्यून ऑयल था 10W30 900 ml, जिसकी प्राइस है 325 रुपये। जी हमने डाल चुके हैं, जैसे कि अब हमने इसे साफ कर इसकी जो ऑयल सील आती है इसी डिपस्टिक की, इसे हमें चेंज करना होता है जब भी हम ऑयल बदलें, क्योंकि यहाँ पर से ऑयल लीक होने का डर रहता है, इसलिए हम इसे हर बार चेंज करें। जब भी ऑयल हम डालेंगे इसे न्यू चेंज करेंगे। इसे अच्छी तरीके से साफ कर लगाएं क्योंकि यहाँ पर ऑयल दिखेगा। इस तरीके से लगा दिया हमने और उसको अच्छी तरीके से हम कस दें। यदि हमारा ऑयल फिल्टर ही जगह है और ये हमारा ऑयल फिल्टर है जैसे, और इसे हमें किस तरीके से लगाना है, जैसे ये स्प्रिंग वाला जो भाग है उसे अंदर की ओर लगाएंगे। इसलिए लग चुका ये हमारा ऑयल फिल्टर यहाँ लगेगा, और हमारी जो ऑयल पंप की प्लेट है उसे अच्छे से साफ कर लें, और हो सके तो हम इसकी जो ओरिंग है इसे हर बार चेंज करें, क्योंकि यहाँ पर भी अभी ऑयल लीकेज होने का डर होगा। जैसे इसकी तो अभी ठीक ठाक है तो हम इसे चेंज नहीं करना है, तो इस तरीके से इसका ऑयल पंप फिटिंग होगी। और बैकग्राउंड साउंड के लिए ज़रा दिक्कत हो रही है, बैकग्राउंड साउंड की, जैसे हमने इसे थोड़ा पुश करके से दबा कर हमें लगाना होगा क्योंकि इसके अंदर स्प्रिंग रहता है। बहुत से मैकेनिक ऐसा करते हैं कि ऑयल पंप को डायरेक्टली चेंज कर देते हैं, पर उसे उसका सही तरीका उसे डीप करना और उसे अच्छा ऑयल में लूप करके लगाना, और हमें तीन ही
बोल्टों को बराबर कर कर कसना है। ध्यान दें कि आप एक तरीके से एक तरफ से ना कस दें। ऑयल फिल्टर डालने के बाद इसे हमें इस पलेट को अच्छे तरीके से साफ करना है, क्योंकि यहाँ ऑयल लग जाता है। तो हम इसे या तो वॉश करें, पानी के साथ वॉश कर दें, क्योंकि यहाँ पर ऑयल दिखेगा, इसलिए इसे हम क्लीन करेंगे पानी से। ओके, तो यह थी आज की छोटी सी वीडियो जो ऑयल फिल्टर के बारे में थी और इंजन ऑयल से भी रिलेटेड थी। तो इस तरीके से इसका ऑयल फिल्टर को डालना चाहिए और हर सर्विसिंग के ऊपर इसे हर सर्विस पे या हर 3000 किलोमीटर जैसे जब ऑयल बदलते हैं उस टाइम पर ऑयल फिल्टर को बदल देना चाहिए, क्योंकि ये ऑयल को फिल्टर करता है, ऑयल को साफ रखता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कितनी डस्ट हो चुकी थी और कितना काला हो चुका है, ये पूरे इसके अंदर जो ऑयल की गंदगी थी वो ये सोख लेता है। और कभी ये ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो ऑयल को ये ख़राब करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरीके से ये डस्ट है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।